बहुत बढ़िया। मतलब पहले आप लेफ्ट में पहनते थे। सर मैं पहले लेफ्ट में भी पहनती थी और डाउन में भी पहनती थी, ओके, फिर उसके अभी बाद भी मैं डाउन में ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम्स होती है। मैं लिखने जब जाती हूँ तो मुझे वो घड़ी मुझे दिक्कत करती है, तो मैं उल्टा ही पहनती हूँ। नहीं, आप अपने पहनिए, अपने पहनिए, फिर उसके बाद आप सर लेफ्ट। मैंने अपनी रिस्ट वॉच की पिक भी आपको भेजी है, मेरी रिस्ट वॉच में नंबर नहीं है, वो डॉट सी है। बोलिए, क्या कह रहे थे हेलो। सुलेखिया जी? जी सर, मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है सर। लेकिन मतलब जितना काम कर रहा था मेरे को अभी वो सम्मान वगैरह नहीं मिल रहा था इसमें, और मैं बोल भी नहीं पा रहा था। अभी जैसे ही मैंने राइट हैंड में पहनना स्टार्ट किया ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया सर, और वो सम्मान भी मिल रहा है, तो बहुत मतलब बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, वो रिजल्ट मिलते हैं राइट हैंड में पहनने से, आपको बहुत अच्छा जी लगता जी है। ठीक है, जी चलिए, जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते। 2016 से स्मार्ट वॉच यूज कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चालू है। मतलब पैसे तो कमाए जाते हैं, लेकिन वो जाने के रास्ते बहुत आ जाते हैं। मतलब और स्मार्ट उससे वॉच का पहले ही ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। था, हाँ, उससे पहले स्टेबिलिटी बहुत था, लेकिन स्मार्ट वॉच जब से पहन रहा हूँ तब से प्रॉब्लम्स चालू हुई। और ये चीज मुझे बहुत दिनों से मतलब लग रहा था कि कहीं ना कहीं वॉच की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा मैं सोचता था। और रैंडमली मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, तो स्मार्ट वॉच सॉरी वॉच एनालिसिस के, तब से मुझे मैं रिलेट करने लगा कि अरे हाँ, घड़ी भी कुछ परेशानी ला सकती है हमारे जीवन में। वॉचेस, स्मार्ट वॉच अच्छी नहीं होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कोर्स कर रहा है, और सर एक तो इतना जबरदस्त है, मेरी जेठानी लेफ्ट हैंड में हमेशा घड़ी पहनती थी। मैंने उनको कहा कि आप राइट हैंड में पहनो, और आप बाई चांस ऐसे ही मुंह से निकल गया कि आप है ना पॉलिटिक्स में भी आ सकते हो। और मतलब आप कह रहे 6 महीने में, मैं कहती हूँ 3 दिन में ही उनको बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी, पोस्ट हो हाउ चुकी, और वो 4 बार मोदी जी से मिल भी चुकी है। ये 1st और 3rd मार्च से ही स्टार्टिंग ही, ये मतलब इतना सॉलिड, वो खुद कहती कहती ये तो मिरेकल ही था, कहीं से कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके एकदम ही कैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन, उनको ज्वाइन करनी पड़ गई आराम से, और पोस्ट 2nd ही पोस्ट मिल गई उनको। और सर मेरी फ्रेंड के लिए मैंने, जैसे वो टीचर थी लेकिन अपने स्टूडेंट से इतनी ज्यादा वो इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, और उनको भी मैंने यही कहा कि आप राइट हैंड में घड़ी पहनो, और वो खुद कहती है, कहती है जो बच्चे इतना नॉटी थे वो इजीली मेरी बात मानने लग गए। और ऐसे ही मतलब सर 5 6 लोगों को, जिन जिन को मैंने राइट हैंड में घड़ी का वो बताया और रोज गोल्ड, और वो सबका पॉजिटिव रिजल्ट, और विद इन 15 डेज आप मतलब जैसे कहते हैं ना स्टोन, नीलम स्टोन कितनी जल्दी वो करता है सर, वही ये यहाँ पर हुआ है मेरे से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सविता जी, आप शायद थैंक यू सर। एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आई थिंक। यस सर, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सर, आपसे बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं हाँ एंड हाँ डाई हार्ड फैन सर आपके सारे बहुत कोर्सेज कर रहे हैं लिटरली। बहुत मैं तो इसीलिए इसीलिए कह रही सर, आप कहते हैं कि 6 महीने, मेरे को तो 3 3 दिन में रिजल्ट मिले, और सबने मतलब बहुत अच्छी तरह के, वाकई में ये चीज इतनी कारगर है ना कि राइट हैंड में, और जो जो आपने चीजें बताई है, क्योंकि तो मैंने आपसे रिस्ट वॉच का भी कराया था, अभी थोड़ा गला एस्ट्रोलॉजी खराब है इसलिए। एस्ट्रोलॉजी करने के बाद, न्यूमरोलॉजी करने के बाद और रिस्ट वॉच करने के बाद सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा मजा तो अब लोगों की घड़ियां देखने में मजा है? अब तो रस्ते सर मैं तो फ्लाइट में गई थी, वहां पर एयर होस्टेस को भी बता उसको भी बता दिया, वो भी कह गई मैम बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो जो चीजें बताई वो कहती बिल्कुल आप ठीक कह रहे सर, मतलब अच्छा कुल लग रहा मिला है। के ये कह सकते हैं ना कि ये हम ये बोल सकते हैं कि ना तो हमने आपका नाम पूछा, ना तो डेट ऑफ बर्थ पूछी, हमने नहीं आपकी कुछ भी कलर नहीं घड़ी देखी और हमने आपके पूरी प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया। लिटरली सर, सर आज असल में गला खराब इसलिए आप सर पहचान नहीं पाए थोड़ा सा, ये थे बाकी सर मैंने आपसे 4 सारे कोर्सेज करे, मनी मैग्नेट का, और अभी वो 3 मंथ्स पेड़ वाली में भी हूँ, जी तो जी जी सर मतलब बहुत अच्छा लगता है सर, इसीलिए मेरे को ये देना था, क्योंकि वो जेठानी मेरी जो जेठानी है उनका तो मतलब विद इन 3 डेज में कोई कहीं से सीन नहीं था, और पॉलिटिक्स में आ गई, और कहती है यार तुम्हारे कारण मैं 3 बार मोदी जी से भी मिला।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बढ़िया, ओके सर। थैंक यू।